फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मनोकामना पूर्ति के लिए हर तालिका तीज के दिन 2024 सुहागने और कुंवारी योग्यता पूर्ण श्रृंगार करें और भगवान शिव को फूल अर्पित करते। माता पार्वती को साड़ी और श्रृंगार की सामग्री चाहिए, उसके बाद माँ को बिछिया चढ़ाना कतई न भूले। तत्पश्चात भगवान से मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। इन बातों का रखें आप अवश्य ख्याल। प्रति महिलाएं इस दिन भूल कर भी क्रोध ना करें, वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा। सुबह सुबह व्रत का संकल्प लें और संध्या में पूजा करने के बाद भूल कर भी व्रत ना तो रात भर जागरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात में नहीं सोना चाहिए। भूल गई सुहागिनी महिलाएं काले रंग का वस्त्र ना पहने। प्रति महिलाओं के पति को पत्नियों का ख्याल रखना चाहिए। व्रत से संबंधित सभी वस्तुओं का पहले ही प्रबंध करना चाहिए, उन्हें उपहार भी देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य में खुशहाली होती। इस दिन पुरुषों को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सात्विकी का बनाए रखें। हरितालिका तीज एक ऐसा पर्व जो प्रेम भक्ति और आस्था का प्रतीक है। यह महिलाओं को एक साथ लाने का भी काम करता है। इस व्रत के करने से लोगों को सभी इच्छाएँ पूर्ण होती और जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। और सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी और कुमारी महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए ही व्रत लेती। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनोकामना की पूर्ति होती। पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:21 से शुरू होगा और 6 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 3:00 समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार तीज 6 सितंबर को मनाई जाएगी। जो महिलाएं 6 सितंबर को तीज व्रत रखेगी उनके लिए पूजा का सिर्फ 2 घंटे और 31 मिनट का पवित्र मुहूर्त है। हरितालिका तीज के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखें। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य करें। महिलाएं झूला भी पर झूलती हैं और ये जो पारंपरिक गीत भी गाती हैं। तालिका तीज के दिन पूरी तरह शुद्ध रहें, सत्य बोलें और दूसरों पर दया कर समाज सेवा करें और पर्यावरण की रक्षा भगवान शिव माता पार्वती पर अटूट विश्वास रखें और मन को शांति बनाए रहें। हरि तालिका व्रत करता है। एक कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बात बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाले थे। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। जगत के नाथ, आप यदि मध्यम और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। आपको मैंने किसे भ्रांति प्राप्त किया है, कौन कौन से पुण्य और तप व्रत किया है कि जिसके पुण्य प्रताप से आप मुझे पति रूप में मिले हैं। वैसे ही पुराणों और वेद में इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तो तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, उसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इसी दिन व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने सभी पहले हिमालय पर्वत पर व्रत किया और अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता। हे प्रभु, पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने इस किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है। सो कृपया मुझे करे। भोले बाबा ने बोला कि जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के बच्चे सुशोभित तो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं तथा गंगा की कल कल ध्वनि उदय होती है, बाल अवस्था में उसी स्थान पर परम और 12 वर्ष तक के महीने में जल में बहता रहता है, सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्य जल का त्याग करती है माता पार्वती। पार्वती को जब पता चला कि उनका विवाह उनके जब बड़ी हुई तो उनके पिता को बड़ी चिंता हुई, तो वह सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह किसे। एक दिन नारद जी आए और महर्षि नारद जी ने शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने ऋषि को प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया। मुनिवर, आप यहाँ आए हैं तो मेरे कष्ट अवश्य। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का संदेश भेजा हूँ, यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान विष्णु भगवान को करें। यदि आप वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें दूंगा। हिमालय का राज्य का यह आश्वासन सुनकर नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हुआ और भगवान विष्णु के पास में नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें को
गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन वक्तियों को सुनकर पार्वती की सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किसी कारण से दुखी ना हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण। पार्वती बोली, हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनती हो, मैं महादेव को पति रूप में वरण करने, मैंने इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर। पार्वती के वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि मैं पुत्री, फिर उन लोगों ने उनको जंगल में लेके चले जाते हैं। फिर माता पार्वती सखियों के साथ जंगल में घूमती वन में एक नदी के पास गई और गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश किया, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालों का शिवलिंग में लिया रहते। उस समय भाद्रपद मास की नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन विधि विधान से पूजा के तराती गीत गायन करते हुए तुमने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रताप से मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ और तुमने मुझे पति रूप में वरण करने की इच्छा प्रकट की। इस व्रत के प्रभाव से हमारा मिलन हुआ और हमारा पारिग्रहण संस्कार हुआ। सौभाग्य की इच्छा, जो भी महिलाएं महादेव आपके कहने पर महादेव की जो भी इस व्रत को करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, और जिसको भी पति रूप में वरण करने जाएंगी उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, ऐसा कह के प्रभु जी ने अंतर ध्यान हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर, शेयर कर। थैंक यू सो मच।